हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेके। आज के सेगमेंट के अंदर हम 5 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, सो आई थिंक यू विल एंजॉय। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। सो आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट डॉक्टर एस पद्मावती, इंडिया फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो हमें बताना है कि ये किस अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या बहुत ए एंड बी। तो हाल ही में इनका अभी 29 अगस्त को निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका आंसर हो जाता है बहुत ए एंड बी, इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोनों से नवाजा जा चुका है। सो ऑप्शन डी विल बी करें। ये हो जाती हैं डॉक्टर एस पद्मावती जी। क्वेश्चन नंबर 2, रशिया डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ 2020 ऑनलाइन फाइट चेस ओलंपियाड विथ विच कंट्री। तो रशिया के साथ साथ किसको 2020 ऑनलाइन फाइट चेस ओलंपियाड का विनर घोषित किया है, तो ये इंडिया हो जाता है। इंडिया और रशिया को क्या है, संयुक्त रूप से इस जॉइंट विनर घोषित किया गया। सो द क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है डेट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन द बेल्जियन ग्रैंड पिक्स 2020। तो बताना है कि बेल्जियन ग्रैंड पिक्स 2020 को किसने जीता है, क्या वो डेनियल रिकार्डो, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापन एंड द लास्ट ऑप्शन इज द वाल्टेरी बोटास। सो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें तो ये इनकी फोटो हो जाती है लुइस हैमिल्टन जी की। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया सेट टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मेगाटन कोल गैसिफिकेशन बाय विच ईयर। तो किस साल तक भारत ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो क्या है 100 जो मेगाटन कोयला है उसको यूज उसको कोल गैसिफिकेशन के रूप में उसको क्या चेंज कर लेगा। सो इसका आंसर हो जाता है 2030। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, चैडविक बोसमैन पास्ड अवे एट 43, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर ही प्लेड इन द मार्वल मूवी। तो मार्वल मूवीज में उन्होंने कौन सा कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, क्या वो आयरन मैन का, क्या वो ब्लैक पैंथर, क्या वो कैप्टन अमेरिका या हल्क। तो ये बहुत ही फेमस एक्टर्स हो जाते हैं, तो इनका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक पैंथर। इन्होंने ब्लैक पैंथर के किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6, ये इनकी फोटो हो जाती है बोसमैन जी की। क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशन विल होस्ट द SCO काउंसिल समिट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन नवंबर। तो SCO की जो मीटिंग्स होगी उसको कौन हेल्ड करेगा, जो कि नवंबर के अंदर होने वाली है, तो इसको इंडिया हेल्ड करेगा इसको, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट, इट वॉज फर्स्ट टाइम सस्पेंडेड ऑन ड्यूरिंग। तो हाल ही में जो है क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब कोई सवाल जवाब इसके अंदर विपक्ष पूछ नहीं सकता। तो हमें बताना है कि ये पहले भी एक बार हो चुका है, तो वो कब हुआ है, क्या वो कारगिल वॉर के दौरान हुआ है, क्या इंडो चाइना वॉर के दौरान, क्या नेशनल इमरजेंसी, या नॉन ऑफ दीज। तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है, वो हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम मैगजीन प्रॉस्पेक्ट हैज नेम्ड हुम एज द वर्ल्ड टॉप थिंकर फॉर COVID-19। तो हमें बताना है कि एक इंडियन है जिसको एज अ वर्ल्ड टॉप थिंकर के रूप में शामिल किया गया फॉर COVID-19, तो उनका नाम बताना है हमें, क्या वो प्रदीप सिंह है, क्या वो राजीव कुमार, के सैलेजा या अभिक सरकार। तो ये हो जाती हैं के सैलेजा, जो कि केरला के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो के सैलेजा जी, ये उनकी फोटो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जर्नल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें बताना है कि पहली महिला वो कौन है जो DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्या है DG बनाई गई हैं।
तो इसका सीधा सीधा अगर हम आंसर की बात करें तो उषा पदी जी इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। अगर हम इनकी फोटो की बात करें तो ये उषा पदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डेट इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिजेक्टेड पाकिस्तान रिक्वेस्ट टू डिक्लेयर 4 इंडियंस एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। तो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया है जिसमें वो 4 इंडियंस को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहता था। तो किस ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिजेक्ट किया गया है, कि वो ILO है, क्या यो UNDP है, क्या WHO या UNSC। तो ये हो जाता है UNHC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं तो इसमें 5 मेंबर स्थायी होते हैं और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं, तो टोटल इसके अंदर 15 मेंबर्स हो जाते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन टैक्स रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय विप्रो। तो विप्रो के द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन टैक्स की एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो हमें बताना है इसमें भारत की क्या पोजीशन है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 43। अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो 54 रैंक इसमें भारत की थी पहले, जो कि 2019 में क्या इसको जब ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब इसमें कुछ सुधार आया है इनोवेशन के मामले में, तो हमें बताना है उसका क्या रिपोर्ट हो जाती है वो। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।